श्री राम जी, जय श्री कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। लग्न में शुक्र का जीवन में क्या प्रभाव होता है, उस विषय पे आज हम विचार करने जा रहे हैं। जिन जातकों की कुंडली में लग्न में शुक्र होता है, उनके जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, शास्त्रों का इस विषय में क्या मत है और लाल किताब के अनुसार इसके बारे में क्या कहा गया है, उसके ऊपर आज हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले ज्योतिष की जानकारी के लिए और अन्य कथाओं के श्रवण के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपने यह वीडियो देखा, उसके बाद आपको लगा कि ऐसे फल आपके साथ नहीं हो रहे, तो आप एक अगले भाव के शुक्र का भी फल अवश्य देखें और एक पिछले भाव के भी शुक्र का फल देखें, बारहवें भाव के शुक्र का भी फल देख लें और दूसरे भाव के शुक्र का भी फल देख लें। अगर पहले भाव के शुक्र का फल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभी कुंडली में ग्रह एक अगले भाव का भी फल दे सकता है और एक पिछले भाव का भी फल दे देता है। तो आइए विचार करते हैं शुक्र के प्रथम भाव में कैसे कैसे प्रभाव होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि लग्न भाव में शुक्र जिसका होता है, ऐसा जातक बहुत सुंदर होता है, अक्सर उनके घुंघराले बाल होते हैं। जातक स्त्री हो या पुरुष, वो सुंदर होता है, सौंदर्यवान होता है। और सबसे बड़ी बात, शुक्र जो है वो एक शुभ ग्रह है। जब लग्न में आ जाता है तो लिखा है संस्कृत में, निहंति दोषान त्रिशतम भृगुश्च। जब जन्म कुंडली के लग्न में शुभ ग्रह शुक्र किसी अच्छी राशि में, अपनी राशि में, उच्च राशि में आ जाते हैं, तो 300 दोष जो हैं उनको नष्ट कर देते हैं। कुंडली में बनने वाले 300 प्रकार के दोष जो हैं उनको लग्न का शुक्र नष्ट कर दे देता है, अर्थात 300 प्रकार के कष्टों को दूर करता है। तो ये विशेष प्रभाव है। किंतु यदि शुक्र शुभ राशि में है और शुभ फल दे रहा है तभी ऐसा होगा। यदि किसी क्रूर ग्रह के साथ में है, शत्रु ग्रह के साथ में है या शत्रु राशि में है तो शुभ फल इसका नहीं मिलेगा और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं आगे क्या क्या बताया है कि जातक का सुंदर शरीर होता है, जातक सौंदर्यवान होता है, आकर्षक होता है। शुभ शुक्र के प्रभाव से जातक सत्पुरुषों का संग करता है, अच्छे लोगों का संग करता है, सज्जन लोगों का संग करता है। ऐसे जातक के शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं के ऊपर जीत प्राप्त होती है। ऐसा जातक रति क्रीड़ा का पूर्ण सुख प्राप्त करता है, आकर्षक होता है और काम क्रीड़ा में भी ऐसे जातक निपुण होते हैं। ऐसे जातक का जीवन सुखी रहता है, सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है। ऐसे जातक जो हैं वो अभिनेता भी हो सकते हैं और गायक भी हो सकते हैं, अभिनय कुशल होते हैं, कोई अभिनेता हो सकते हैं, नाटक करने में कुशल हो सकते हैं, नाटक का किरदार निभाने में कुशल हो सकते हैं।
ये विशेष प्रभाव जो हैं शुक्र के शुभ होने पर ही प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं, जातक चाहे धर्महीन हो, नास्तिक हो, ईश्वर में चाहे कम विश्वास करता हो, लेकिन उसका राजदरबार सरकारी कार्यों में कभी उसको हानि नहीं होगी, राजदरबार कभी मंदा नहीं होगा। लग्न के शुक्र वाले जातक अक्सर इश्क में धर्म जाति नहीं देखते हैं, ये लग्न के शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। एक में शुक्र जा शनि जो है वो रोजी रोटी को प्रभावित करता है, शुभ हो तो बहुत अच्छा फल देता है और मंदा हो तो बहुत बुरा फल भी दे सकता है। जातक साधना में वेदांती बनता है और यदि जातक व्यभिचार के मार्ग पे चल पड़ता है तो उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा जातक शुक्र के अनिष्ट प्रभाव में आया हुआ जातक जवानी में गलत कार्य करता है और बुढ़ापे में धार्मिक उपदेश देता है, ऐसा मंदे शुक्र के प्रभाव से होता है। 25 वर्ष का जो समय होता है वह शुक्र का माना गया है। लग्न में बैठा हुआ अकेला शुक्र बहुत कम ही बुरा प्रभाव देता है। धर्म की स्थिति गुरु के अनुसार होगी या भाव 8 के का अनुसार जातक के धर्म की स्थिति होगी। शुक्र यदि नेक हुआ, शुभ हुआ तो धन संतान परिवार में बरकत होती रहेगी, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। शुक्र के प्रभाव में जातक 16 वर्ष की आयु से लेकर 36 वर्ष की आयु तक रूप, रंग, सौंदर्य और परनारियों की प्रशंसा करेगा, परंतु स्वयं के मान अहंकार ने उसको उसकी मान की वासनाओं को कभी तृप्त नहीं होने दिया। जातक जो है इश्क के मार्ग पे चलता हुआ धर्म जाति का विचार नहीं करेगा, ये लग्न के शुक्र का विशेष प्रभाव है। और जिनके शुक्र लग्न में होता है उनको सींग वाले पशुओं से विशेष भय रहता है, उनसे चोट का भय रहता है। मंदे शुक्र के प्रभाव में संतान वह जीवन में आराम जो है वो हल्का हो सकता है, मध्यम या मंदा हो सकता है। यदि जातक सच्चरित्र रहे, अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखे तो शुक्र कभी मंदा नहीं होगा और जातक जीवन में बहुत तरक्की करेगा। लग्न में शुक्र वाला जातक स्त्री का गुलाम हो सकता है, अपनी स्त्री के अनुसार ज्यादा ही उसकी आज्ञा में चलने वाला हो सकता है, जोरू का गुलाम हो सकता है और परवाने की तरह क्षमा पर मिटने वाला हो सकता है। और मंदे शुक्र के प्रभाव से जातक कुछ असभ्य भी हो सकता है, यदि शुक्र मंदा हो तो जातक का व्यवहार कुछ असभ्य भी हो सकता है। मंदा शुक्र होने पर पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, परंतु जातक की पत्नी जो है जातक के लिए बहुत भाग्यशाली होगी। जातक को चाहिए कि यदि वो कोई भी काम करने जा रहा है तो दूसरों की सलाह ले, दूसरों से अवश्य सलाह लें, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, अपने गुरु से अवश्य सलाह मशवरा करें, फिर कोई यदि काम करें तो उत्तम रहेगा, उसका अच्छा फल जातक को मिलेगा। यदि कुंडली में
सप्तम भाव में शनि हो तो पत्नी भाग्य जागने से पहले आएगी, अर्थात जातक का विवाह जो है वो उसके धन कमाने से पहले हो जाता है, और पत्नी कुशल प्रबंधक व अच्छी शासक होती है। यदि कुंडली में मंगल छठे भाव में, सप्तम भाव में या 12वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को दीर्घायु की प्राप्ति होगी, 100 वर्ष की आयु प्राप्त होगी। शनि सप्तम भाव में हो या सप्तम और दशम भाव खाली हो या राहु केतु चौथे या 10वें भाव में हो, इन घरों में राहु केतु बुध शुक्र हो तो 7 और 10 भाव खाली ही गिने जाएंगे, या मंगल 6-12 घरों में न हो और 7-10 खाली हो तो जातक भगवान की तरह, विष्णु भगवान की तरह सबका पालन पोषण करने वाला होगा, और धन की थैली दिन में भरेगी और रात को खाली होगी। अर्थात जातक दिन में तो धन लाभ कमाएगा और रात के समय उसका धन जो है वो खर्च हुआ करेगा। कुंडली में बुध तृतीय या षष्ठ भाव में हो तो जातक के ऊपर चलने वाले जो भी मुकदमे हैं, जो भी कोर्ट केस हैं, उनका फल जो है जातक के हक में होता है। यदि कुंडली में बुध तीसरे और छठे स्थान में हो, जवानी में इश्कबाजी या परिवार का बड़ा बनकर जातक रहे तो उसको बहुत मंदे फल देखने पड़ते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जवानी के दिनों में जो जवान हैं और लग्न में शुक्र हैं, यदि वो अपना ऊपर संयम रखते हैं, अच्छा चरित्र रखते हैं और परिवार में बड़ा बनकर नहीं रहते तो उनको अच्छा फल प्राप्त होगा शुक्र का। शुक्र दृष्टि योग से यदि मंदा हो रहा हो, शुक्र के ऊपर मंदे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो माता का सुख जातक को कम ही मिलेगा, या यूं कहें कि उसको माता का सुख नहीं मिलेगा, या माता से उसको कष्ट की संभावना रहेगी, या माता को कोई कष्ट रह सकता है। और विवाह के बाद लग्न में शुक्र जिनके होता है, ऐसे जातकों का जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद जातक की माता के ऊपर कष्ट आता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि जातक की पत्नी जो है अपनी सास से दूर रहे तो जातक की जो माता जो है उसका स्वास्थ्य बना रहेगा। तो इस चीज में आपने ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि माता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कहीं अन्य स्थान पर रहकर रोजगार व्यापार करना चाहिए, और अपना गृहस्थ जीवन जो है किसी अन्य स्थान पर रहकर व्यतीत करें, जिससे माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यदि माता का स्वास्थ्य खराब होता है तो यह उपाय करना चाहिए। 7 और 10 भाव जो है खाली न हो, और जातक 25वें वर्ष में यदि विवाह करे तो उसको बहुत मंदा समय देखना पड़ेगा, उसको धन हानि होगी और स्त्री के सुख में भी, विवाहिक सुख में भी बहुत कमी आ जाएगी। यदि कुंडली में राहु सप्तम भाव में हो तो स्त्री को मानसिक परेशानी रहेगी और स्त्री का जो पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो मंदा रहेगा, गृहस्थी जो होगी वो दुखदायी होगी। ऐसे में पति त्याग देता है या पति पत्नी में दूरी आ जाती है, एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं। शादी के समय
पत्नी को शुद्ध चांदी ससुराल से मिले तो इसके ऊपर मंदा फल जो है वो दूर हो जाएगा। अर्थात इसका ये उपाय है कि शादी के समय शुद्ध चांदी ससुराल की तरफ से आशीर्वाद के रूप में लेनी चाहिए, जिससे शुक्र का मंदा फल प्राप्त नहीं होता। यदि कुंडली में बुध मंदा हो तो संतान सुख जो है वो मंदा होगा। यदि कुंडली में सूर्य मंदा हो तो गृहस्थ सुख जो है वो मंदा होगा। यदि कुंडली में शनि मंदा हो तो रिश्तेदारों का सुख प्राप्त नहीं होगा और शुक्र 10 का फल देगा। जातक में संतान प्राप्त करने की भरपूर ताकत होगी। उसमें जातक में आकर्षण शक्ति होगी। जिन जातकों की कुंडली में लगन में शुक्र धनु राशि में हो तो ऐसे जातकों का मन जो है विवाह न करने की तरफ ही होता है। ऐसे जातकों का मन नहीं करता विवाह करने का, जा बहुत प्रयासों के बाद 36 वर्ष की आयु में उनका विवाह होता है। बुध सूर्य शनि यदि कुंडली में मंदे हों तो जातक को कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में पहले भाव में सप्तम भाव में यदि शत्रु ग्रह हों, राहु चंद्र या सूर्य हो और बुध जो है तृतीय भाव से बाहर कहीं मंदा हो रहा हो या सूर्य जो है शुक्र के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है अत्यधिक कामोपभोग से और अत्यधिक कामुक होने से और पर स्त्रियों के संपर्क में आने से रोगी हो जाता है। उसे दमे का रोग हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, टीवी की समस्या हो सकती है या वो बुखार से पीड़ित हो सकता है। और अत्यधिक कामों उपभोग से गुप्त इंद्री में भी कोई विकार हो सकता है और वीर्य क्षय रोग हो सकता है। तो ये शुक्र के मंदे प्रभाव हैं यदि कुंडली में शुक्र मंदा हो। कुछ उपाय भी इसके लिए किए जा सकते हैं, तो ध्यान दें, जो भी मैं उपाय बताऊं वो अपनी तरफ से न करें, उपाय का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ध्यान दें, कोई भी उपाय अपनी तरफ से न करें। उपाय करने से पहले एक बार सलाह मशवरा अवश्य करें। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि यह उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और किसी विद्वान ज्योतिषी से भी आप सलाह कर सकते हैं। लग्न में यदि कुंडली में लग्न में यदि शुक्र हो तो गोमूत्र तथा जौ का भोजन करना यह श्रेष्ठ रहेगा, शुक्र को मंदा होने से बचाएगा। जौ को गोमूत्र में भिगोकर सुखा लिया जाए, उसके बाद धोकर उसको उपयोग किया जाए तो इससे जो है शुक्र का मंदा असर दूर हो जाता है। 7 प्रकार के अनाज सतनाजा दान करना चाहिए, चरी का दान करना चाहिए। यदि पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र लग्न में मंदा फल दे रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी गरीब की कन्या का दान करना चाहिए, किसी गरीब की कन्या के विवाह में सहायता करनी चाहिए, वहां धन दान देना चाहिए और पूरा कार्यक्रम जो है अपनी तरफ से करना चाहिए। और यदि किसी कन्या की कुंडली में लग्न में शुक्र जो है बहुत तो मंदा फल दे रहा है तो उस कन्या को गाय का दान करना चाहिए। लग्न में शुक्र के मंदे प्रभाव से प्राय ममता जातक के गले पड़ी रहेगी, जिसके कारण उसको धन हानि होगी। अर्थात
किसी न किसी पर स्त्री से कोई ना कोई किसी प्रकार का शुभ अशुभ मंदा संबंध बना रहेगा, जिस कारण उसका धन जो है वो नष्ट होता रहेगा। ऐसे जातक को चाहिए कि वो अपने कामनाओं के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर काबू रखें, अपनी कामुकता के ऊपर नियंत्रण करें। भाग्य की मंदी चाल धीरे धीरे बदल जाएगी और दूसरों से परामर्श लेते रहें। जीवन में धैर्य अवश्य रखें। लग्न में शुक्र वाले जातकों को नमकीन और खट्टा ज्यादा प्रिय होता है और कुंडली में यदि शुक्र वृक्ष जात तुला राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में राजयोग बनता है, जातक पूर्ण सुख प्राप्त करता है। और शुक्र जो है विवाह का कारक है, यदि वो शुभ होगा, जैसे मीन राशि में शुक्र लग्न में हो, तो ऐसी स्थिति में राजयोग बनेगा और एक से अधिक विवाह का योग भी ये शुक्र यहाँ पे बनाएगा यदि मीन राशि में हो। 3, 7, 8 और 11 में शुक्र जो है वो कुछ दिक्कतें पैदा करता है। सूर्य शुक्र की शत्रुता से पीड़ित रहता है, इसलिए पति या पत्नी को बुखार या तपेदिक रोग हो सकता है। किसी एक का शरीर जो है वो बुखार के कारण तकलीफ में रह सकता है। बाल्यावस्था के 7 वर्ष जो हैं वो स्वास्थ्य समस्या इसमें रहती है। दिन में भी जातक का ध्यान कामों उपभोग की तरफ रहता है, जिनका लग्न में शुक्र मंदा होता है। 25वें वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए जिनका लग्न में शुक्र हो, ऐसा करने से तलाक या आपस में जुदाई हो जाती है। धन की कमी जातक को नहीं होगी और कन्यादान के समय ससुराल से चांदी का उपहार लेना शुभ रहेगा। लग्न में शुक्र होने पर विवाह के बाद माता के सुख में कमी आ जाती है, जैसे पहले बताया गया है। कुंडली में लग्न में जब शुक्र होता है तो अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा करना चाहिए कि सूर्य और शुक्र का मेल नहीं होना चाहिए। यदि सूर्य और शुक्र का मेल होगा तो स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी, आर्थिक समस्याएं आएंगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि दिन में सूर्य और शुक्र का मेल नहीं होना चाहिए। रात्रि में अर्थात शनि और शुक्र का मेल कराना चाहिए दैनिक जीवन में। भाव यह है कि जातक को दिन के समय कामोपभोग नहीं करना चाहिए, रात्रि के समय कामोपभोग करना शुभ रहता है। दिन में स्त्री संग पुरुष संग नहीं करना चाहिए जिनके लग्न में शुक्र हो। और कपड़े की दुकान से लाभ मिलता है, मनियारी से लाभ मिलता है, रूई के काम से, दही के काम से लाभ मिलता है यदि लग्न में शुक्र शुभ हो और शुभ फल दे रहा हो। लग्न में शुक्र वाले जातक गाने के शौकीन हो सकते हैं, अभिनय एक्टिंग करने के शौकीन हो सकते हैं। लग्न में शुक्र वाले जातक मॉडलिंग में या फिल्मों में, नाटकों में अच्छा कैरियर बना सकते हैं। सफेद वस्त्र धारण करना ऐसे जातकों के पुरुषों के लिए बहुत शुभ होता है। और जातक की पत्नी और माता को इकट्ठे नहीं रहना चाहिए, अन्यथा माता को नेत्र रोग की समस्या हो सकती है, अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं। पति पत्नी में से एक को गुड़ नहीं खाना चाहिए और जल में दही डालकर स्नान करना शुभ रहेगा। गले में सोना धारण करना शुभ रहेगा। यदि कुंडली में लग्न में शुक्र और केतु का योग हो
तो विवाहिक जीवन में कुछ कमी, विवाहिक सुख में कुछ कमी आ सकती है। 36 वर्ष की आयु तक जातक की कामेच्छा जो है वो प्रबल रहती है, उसके बाद इसमें कमी आती है। और 25 वर्ष में, 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी चाहिए, और 25वें वर्ष में गाय नहीं पालनी चाहिए। सफेद गाय, काली गाय पाल सकते हैं। 25 वर्ष के सिवा, 25वीं वर्ष की आयु के सिवा किसी भी वर्ष में विवाह किया जा सकता है और गाय पालन किया जा सकता है। तो ये है शुक्र के लग्न में प्रभाव। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शुक्र भगवान आप सबके ऊपर कृपा करें। शुक्र का जो देवता जो है माता लक्ष्मी है। शुक्र को ठीक करने के लिए माता लक्ष्मी की भी उपासना की जा सकती है। माँ लक्ष्मी आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।